मेरे बोर्ड में अगर 75% से कम आते हैं तो विल आई बी एलिजिबल, विल आई बी नॉट। बहुत सी बच्चे हैं जो 2022 का बैच है, उन्होंने तो अपना एक दो ही अटेम्प्ट जो है एग्जॉस्ट किया रिलैक्सेशन के नाम पे, एक तरह से बच्चों को एक लॉलीपॉप दी है, पर टॉप 20% भी बहुत से स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में है, दे हैव टेकन इट इन हेस्ट। इस प्रोसीडिंग का इंपैक्ट उनकी लाइफ को ना बड़ा कंफ्यूजिंग बना रहा है। आप ये मत सोचिए कि आपके शेड्यूल के एग्जाम शेड्यूल और काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में कोई नहीं सोच रहा। इन टुडेज वीडियो आज हमारे साथ है एडवोकेट अनुमा श्रीवास्तव जी, जो कि एक जानी मानी लॉयर हैं खासकर एजुकेशन फील्ड में, और साथ ही एक्टिविस्ट हैं स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए, एजुकेशन राइट्स के लिए। अनुभा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शिक्षा.com पर। धन्यवाद दीपक जी। सो दिस इज द इश्यू ऑफ 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं कि क्या कल की प्रोसीडिंग में, 24 अप्रैल की प्रोसीडिंग में क्या हुआ, किस तरह का कोर्ट ने इस मामले पर क्या बोला है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, थोड़ा सा ब्रीफ व्यूअर्स के लिए बताइए। देखिए कल का जो हियरिंग था उसमें गवर्नमेंट ने लास्ट हियरिंग में भी जो है टाइम मांगा था कि उनको रिप्लाई एफिडेविट सबमिट करना है, कुछ कुछ जो भी हमारा इंटरम एप्लीकेशन और हमारी पीआईएल और जो भी इंटरवेंशन है उनके लिए वो अपना एफिडेविट फाइल करना चाहते थे, तो लास्ट हियरिंग में भी उन्होंने टाइम मांगा था। इनफैक्ट लास्ट हियरिंग में दे वर सपोज टू सबमिट, और उसके पहले सबमिट करके उनको काउंटर करना था हमारे आर्ग्यूमेंट्स को, बट लास्ट हियरिंग में दे रिक्वेस्टेड फॉर मोर टाइम। जज ने उनको उनके रिक्वेस्ट पे ग्रांट किया एंड दे सेड कि ठीक है लेट्स कीप इट ऑन 24। कल जब मैटर आया फिर अगेन दे रिक्वेस्टेड जज को, उन्होंने काफी रिक्वेस्ट किया ऑनरेबल जज को एंड ही वाज क्वाइट नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज जज ने भी उनको कहा कि काफी टाइम से लिंगर ऑन हो रहा है और हम भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह से ये मैटर जो है लिंगर ऑन हो, आपका जो भी है से उसमें आप अपना बताइए क्या बोलना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि वी आर कलेक्टिंग सम डेटा, जो हमने चैलेंज किया है 75% क्राइटेरिया एज वेल एज टॉप 20% जो इन्होंने एक रिलैक्सेशन के नाम पे एक तरह से बच्चों को एक लॉलीपॉप दी है स्टूडेंट्स को, जो कि बहुत से बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं पेरेंट्स हैं वो इतनी टेक्निकलिटी नहीं समझ पाते हैं, बट टॉप 20% भी बहुत से स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में है, जो हमने कोर्ट में दिखाया और वहां शो किया कि किस तरह से 2019 में टॉप 20% डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद से अभी तक किसी भी बोर्ड ने डिक्लेयर नहीं किया है, तो उसको कॉग्निजेंस लिया कोर्ट में, उस बात को समझा और हमने ये भी दिखाया कि टॉप 20% किस तरह से गलत है। किसी स्टेट में टॉप 20% 60% या 65% जाता है, कहीं 80% जाता है, सीबीएसई आईसीएसई का तो बिल्कुल 90 एंड अबव जाता है सीबीएसई का। ये सारी चीजें कोर्ट ने समझी और उनसे पूछा कि आप इस बारे में अपना जो है जवाब दें, अपनी रिप्लाई सबमिट करें, एफिडेविट दें। कोर्ट में गवर्नमेंट ने कल फिर से टाइम मांगा, बट यस ये टोटली जो इनका डिसीजन है दे हैव टेकन इट इन हेस्ट, जो भी इनका जैब है जो ये कहते हैं सो कॉल्ड जैब जिसमें आईआईटी के प्रोफेसर होते हैं और ये सारे डिसीजन लेते हैं, मुझे लगता है इन सबको सभी से कंसल्ट करके, चाहे वो स्टेक होल्डर्स पेरेंट्स हो टीचर्स हो या बाकी भी बहुत से एजुकेशनिस्ट हैं, इन सबको कंसल्ट करके ही इस तरह की कोई पॉलिसी या गाइडलाइंस फ्रेम करनी चाहिए ताकि बच्चों का लॉस ना हो। अनुभा जी नेक्स्ट डेट क्या लगी है? नेक्स्ट डेट इज 2 मई। एक्चुअली जज वॉज नॉट मतलब कन्विंस्ड, उन्होंने कहा कि हम थर्सडे को रखते हैं, लेट्स कीप इट ऑन थर्सडे जज ने रिक्वेस्ट किया, बट जो एएसजी है जो इस मैटर में देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो अपियर हो रहे हैं ही वॉज नॉट अवेलेबल ऑन दैट डे थर्सडे को, इसलिए फिर 2 को जज ने फिर कंसिडर किया उनकी रिक्वेस्ट। अब अनुभव जी बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि दोनों सेशन जेई मेन के हो चुके हैं, एक जनवरी में भी हो गया, अप्रैल में भी हो गया, सो कहीं ना कहीं अब इस प्रोसीडिंग का इम्पैक्ट उनकी लाइफ को ना बड़ा कंफ्यूजिंग बना रहा है कि एडमिशन मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कंसिडर हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मेरे बोर्ड में अगर 75% से कम आते हैं तो विल आई बी एलिजिबल, विल आई बी नॉट। अगर कोर्ट चाहे तो गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बट उनके भी लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होती है, कोर्ट की भी कुछ लिमिटेड पावर्स होती है, उस पावर्स के बाहर वो नहीं जा सकते, और गवर्नमेंट अगर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि हमें थोड़ा और टाइम दिया जाए जिसकी वजह से बच्चों का कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली कोर्ट उसको कंसिडर करता है, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो अभी एज ऑफ नाउ बच्चों का कोई लॉस नहीं है, क्योंकि जून में एडवांस है उसके बाद काउंसलिंग होगी, तो जो काउंसलिंग के लिए वी स्टिल हैव सफिशिएंट टाइम सिंस अभी गवर्नमेंट के पास टाइम है, हमारे पास भी टाइम है, स्टूडेंट्स के पास भी टाइम है, इसलिए कोर्ट ने उस बात को समझते हुए कल भी हमसे वही बताया कि अगर ये थोड़ा और हमें टाइम देते हैं तो इससे कुछ लॉस नहीं होगा स्टूडेंट्स का, बिकॉज जून में है काउंसलिंग आफ्टर एडवांस। जिन स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि ड्यू टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड ऑल
उनको कंफ्यूजन लग रही है या फिर परेशानी हो रही है या फिर किसी तरह का ज्यादा सोचने लग गए हैं वो स्टूडेंट्स, तो अपने मन में एक क्लैरिटी तनाव चाहिए कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी सही आपके ही डायरेक्शन में सोच रही है। तो यस दैट फैक्टर कि मतलब आपकी काउंसलिंग अभी बची हुई है, अभी सिर्फ एग्जाम हुआ है, सो दैट इज देयर इन देयर माइंड। आप ये मत सोचिए कि आपके शेड्यूल के एग्जाम शेड्यूल और काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में कोई नहीं सोच रहा, खासकर वो स्टूडेंट्स जो 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि प्री कोविड एरा में भी था, कोविड के टाइम्स में हटा दिया गया था फिर से लाया गया, तो वो बच्चों की परेशानियां किस किस तरह की हैं जिनके लिए आप फाइट कर रही हैं केस में कोर्ट में। देखिए, ये जो बच्चे हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया है, जो फिर से रिपीटर्स हैं, और जो लास्ट प्रीवियस बैच के जो स्टूडेंट हैं, उनकी प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि उनका दे डिजर्व अनदर अटेम्प्ट। उनको जो 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, 2 अटेम्प्ट एडवांस के एंड 6 अटेम्प्ट होते हैं एक्चुअली टोटल, 3 इयर्स तक वो मेन्स दे सकते हैं। तो ये बहुत से बच्चे हैं जो 2022 का बैच है, उन्होंने तो अपना 1 2 ही अटेम्प्ट जो है एग्जॉस्ट किए, उनके 4 अटेम्प्ट अभी बाकी हैं। सिमिलरली 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके भी अभी 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा बाकी हैं। तो इन ये बच्चे जो है 20 के बच्चे तो ऑलमोस्ट दे आर आउट ऑफ दिस रेस, बट 21 एंड 22 के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने NIIT के सीट, हमने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी लगाई है मिस्टर हाजरा की, जो डॉक्टर है कैलकटा से, उसका एग्जाम्पल भी दिया है, उन्होंने भी अपील की थी, जहाँ वो उनकी बेटी ने, उनके डॉक्टर ने लास्ट ईयर NIIT में सिलेक्शन हो गया था, बट ही थॉट कि नहीं नेक्स्ट ईयर मैं फिर से एक ड्रॉप लेके, क्योंकि मौका है, उनको मिलता है चांस, तो एक ड्रॉप लेके उसने कोशिश सोचा कि लेट्स प्रिपेयर फॉर IIT अगेन, बिकॉज एक्चुअल ड्रीम तो बच्चों का IIT होता है, उसके बाद नहीं मिलता है देन दे गो फॉर NIIT। तो वो एग्जॉस्ट कर चुका है, जो बच्चे एग्जॉस्ट कर चुके हैं अपने अटेम्प्ट्स, और उनके और अटेम्प्ट्स बाकी हैं, और जिनका 75% क्राइटेरिया में नहीं वो फॉल करते हैं, वो बच्चों को सबसे ज्यादा स्ट्रेस है और एंजाइटी है, प्रॉब्लम में है मेंटली, दे आर वेरी डिप्रेस्ड। ये बात गवर्नमेंट को समझनी चाहिए, क्योंकि अगर ये काउंसलिंग के पहले बता दिया जाता कि आपका 75% क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा नेक्स्ट ईयर से, तो ये बच्चे जो हैं या तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम में बैठ जाते, या NIIT में एडमिशन ले लेते, किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेते, ड्रॉप नहीं लेते। थैंक यू अनुभा जी फॉर गेटिंग कनेक्टेड विद अस एंड गिविंग दिस अपडेट ऑन द स्टेटस ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन द 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्टूडेंट्स को क्लैरिटी देना हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि उनको फ्यूचर में क्या करना है, ये बड़ा डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या रहो, उस चीज को जानना बड़ा डिपेंड करता है, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन मेक देयर स्ट्रैटेजीज टू टेक एडमिशंस। सो एडमिशन के लिए बड़ा जरूरी है बच्चों के लिए। सो वील स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू दीपक जी। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।